नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए क्लास में, और आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के मानचित्र के संबंध में। दोस्तों, भारत के मानचित्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के मानचित्र से संबंधित विभिन्न तथ्यों को लगभग सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम पूरा डिटेल में समझेंगे भारत के मानचित्र को। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के किस छोर को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इसको भी जानना जरूरी है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या सबसे उत्तरी क्षेत्र कह सकते हैं, तो इसको किस क्या नाम दिया गया है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इसका नाम है, सबसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो जैसे स्थल भाग को देखा जाए, तो भारत का सबसे उत्तरी दक्षिणी भाग कौन सा हो जाता है, कन्याकुमारी। लेकिन ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु नहीं है, बल्कि कोई और है। दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी भारत का ही हिस्सा है। तो इसी में जो निकोबार द्वीप समूह आता है, अंडमान निकोबार का जो निकोबार द्वीप समूह है, इसी में इंदिरा पॉइंट नामक एक जगह है, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसको याद कर लीजिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, इसके बाद हम भारत के पूरब की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। लेकिन सबसे अगर पूछा जाए परीक्षा में कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, या पूर्व सबसे पूर्व में स्थित स्थान कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल राज्य में ही है, किबुथू। किबुथू ये नाम याद रखिएगा। तो ये भारत का पूर्वी बिंदु हो गया। इसके बाद हम भारत के पश्चिम की ओर जाते हैं। तो जैसा कि आप ये भी जानते ही होंगे कि भारत का सबसे पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात में जो गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है, लेकिन सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये गौर माता इसका नाम दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथू, और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता। तो दोस्तों, ये था भारत के सभी छोरों के नाम। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में। दोस्तों, भारत की समुद्री सीमाएँ बहुत सारे देशों के साथ साझा करती हैं, तो इसलिए उसको भी कुछ नाम दिया गया है। तो चलिए, बारी बारी से जानते हैं कि कौन से देश के साथ साझा करने वाली सीमा को क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप जानते होंगे कि यहाँ पर म्यांमार देश है, भारत के साथ सटा हुआ एक म्यांमार है, और ये बहुत सारे राज्यों से ये अपनी सीमाएं साझा करता है। लेकिन इसकी जो समुद्री सीमा है, ये भारत के अंडमान निकोबार के साथ साझा करती है। तो इस दोनों के बीच का जो समुद्री सीमा है, उसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको क्या नाम दिया गया है, कोको चैनल। कोको चैनल, तो इसको याद रखिएगा कि भारत और म्यांमार के बीच जो समुद्री सीमा बनती है, उसको कोको चैनल कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद और थोड़ा नीचे की ओर जाते हैं, अंडमान निकोबार के साथ, यहाँ पर जो निकोबार द्वीप समूह है, और निकोबार द्वीप समूह का जो समुद्री है, निकोबार सागर, वो कौन देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये इंडोनेशिया के साथ साझा करता है, इंडोनेशिया। दोस्तों, भारत, तो इसमें सवाल ऐसा पूछा जाता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो समुद्री सीमा साझा होती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, इसको 9 डिग्री चैनल कहते हैं, 9 डिग्री चैनल,
या ग्रेट चैनल तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच ये 9 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल इसको नाम दिया गया है दोस्तों। इसके बाद भारत का और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और जिसका नाम है श्रीलंका। दोस्तों भारत के दक्षिण में स्थित है और ये हुआ श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका भी अपनी समुद्री सीमाएं साझा करते हैं। यहाँ पर भारत की समुद्री सीमा और श्रीलंका की समुद्री सीमाएं साझा करती हैं। तो इस जगह को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है पाक संधि। पाक संधि, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान मत समझिएगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री सीमा है इसको पाक संधि कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम भारत के पश्चिम की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, भारत का लक्षद्वीप, और उसके नीचे है मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच भी समुद्री सीमाएं यहाँ पर साझा होती है। तो इसका नाम हमें याद रखना जरूरी है। और भारत और मालदीव के बीच कौन सी सीमा है? तो इसको 8 डिग्री चैनल कहा जाता है, 8 डिग्री चैनल। तो दोस्तों ये थे भारत के विभिन्न देशों के साथ साझा होने वाली समुद्री सीमाओं के नाम। दोस्तों एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। भारत और म्यांमार के बीच जो समुद्री सीमा साझा होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोको चैनल। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो समुद्री सीमा साझा होती है उसका क्या नाम है? 9 डिग्री चैनल, या उसको ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। जो सुमात्रा और जब इन भारत का इंडोनेशिया का सुमात्रा तथा भारत का जो अंडमान निकोबार का निकोबार द्वीप समूह है उसके बीच में ये सीमा साझा होती है। इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री सीमा है उसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है पाक संधि। उसके बाद भारत और मालदीव के बीच जो समुद्री सीमा है इसको 8 डिग्री चैनल कहा गया है। तो दोस्तों ये तो था भारत की समुद्री सीमाओं के नाम। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत की जो स्थलीय सीमा है उन स्थलीय सीमा को किस जगह क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है इसको क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है इसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद भारत और चीन के बीच जो सीमा साझा होती है इसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। इसके बाद और एक जो सीमा है महत्वपूर्ण, भारत और अफगानिस्तान के बीच, लगभग यहीं पर है, भारत और अफगानिस्तान के बीच, इसको क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। तो ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे चीज़ बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सारे चीज़ों को याद रखिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा तथा भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है वो डूरंड रेखा है। तो दोस्तों ये थे भारत के सीमाओं के नाम। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं भारत के कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो दोस्तों भारत की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा है, वो सबसे ज़्यादा साझा करती है किसके साथ? वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कौन से देश के साथ सबसे लंबी है? तो वो उसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। और इस कितनी लंबाई है भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। 4096, याद रखिएगा, 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश की सीमाएं भारत के किस किस राज्य को स्पर्श करती है? तो
कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती है? एक है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। तो ये बांग्लादेश की सीमा भारत के इन राज्यों को स्पर्श करती है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर जो सीमा साझा होती है भारत की, वो है चीन। चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा होती है, 3488 किलोमीटर। और चीन की सीमा भारत के कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती है? तो वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा भारत की सीमा के साथ कितने किलोमीटर साझा करती है? तो 3323 किलोमीटर। और पाकिस्तान की सीमा भारत के कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती है? तो एक है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा पंजाब। अगला है नेपाल। नेपाल की सीमा भारत के साथ कितनी लंबी है? तो 1751 किलोमीटर। और नेपाल की सीमा भारत के कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती है? तो एक है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तराखंड। अगला देश का नाम है म्यांमार। दोस्तों म्यांमार की सीमा भारत के साथ कितनी किलोमीटर लंबी है? तो 1643 किलोमीटर। और म्यांमार की सीमा भारत के कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती है? तो एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम, चौथा मणिपुर। अगला देश है भारत का पड़ोसी देश भूटान। भूटान की सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर स्पर्श करती है तथा भूटान की जो देश है उसकी सीमा भारत के कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती है? तो वो है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों भारत के अगले पड़ोसी देश का नाम है अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान और भारत की सीमाएँ लगभग 106 किलोमीटर साझा करती है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जो अभी दोस्तों जो 106 किलोमीटर की सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, इस यह सीमा अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो डायरेक्टली हम तो नहीं कह सकते हैं कि भारत के साथ सीमा साझा करती है, लेकिन ऑफिशियली यदि भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमाएँ साझा होती है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास और आज हमने चर्चा किया भारत के मानचित्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं को। दोस्तों ये सारे चीज़ और सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ बेसिक भारत का जो बेसिक ज्योग्राफी है उसको भी समझने के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।